हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रान में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, सेकंड हैंड ट्रैक्टर दुर्ग में अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है, तो आज सेकंड हैंड ट्रैक्टर का आप डिमांड और साथ ही हार्वेस्टर भी लेके दिखाने वाले हैं। उधर भी देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश 1 2 3 4 5। तो चलो आइए यहाँ से डिटेल लेते हैं। और ये शॉप का नाम है वरदान ट्रैक्टर्स करके, और ये करीडी चौक में है। तो चलो भैया से डिटेल लेते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सर, आपका नाम क्या? जी, मेरा रामलाल ताम्रकार नाम है। रामलाल, कब से काम कर रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गए। 4 साल। और ये लैंडमार्क कहाँ का है? लैंडमार्क किसी को आना होगा लेने के लिए तो यहीं पे आया है, यही ये डीलर से। मतलब जैसे कि एड्रेस? एड्रेस यहीं का है, करीडी ना। हाँ, करीडी चौक, वरदान ट्रैक्टर के नाम। वरदान ट्रैक्टर के नाम से। जैसे की अभी ये हार्वेस्टर है, ये कौन सी मॉडल है? ये है 2014 का मॉडल। 2014 का मॉडल है ये। एचपी का आता है क्या इसमें भी? हाँ, एचपी। कितने एचपी का होगा ये? 70 के एचपी के आसपास है। इसका प्राइस क्या रखे? 7 लाख। 7 लाख। ये भी घंटे के हिसाब से चलते हैं? हाँ, घंटे हिसाब से। कितना चलोगा मैक्सिमम? 8-10 हजार के आसपास चला हुआ है। और इसमें जैसे की आने के बाद कुछ कम ज्यादा होता है रेट में? हाँ, वो तो क्या है, होता है, टेकल कर लेते हैं अपने हिसाब से बात। अच्छा, जैसे कि इसका कंडीशंस देखते हैं। आपको मैं इसका कंडीशंस दिखाता हूँ। ये टायर का भी कंडीशंस अच्छा है, ऊपर का भी कंडीशंस दिखाते हैं आपको। देखिए, ऊपर से भी पूरा, उस साइड का भी दिखाते हैं, सामने का भी हम आपको टायर दिखाएंगे सामने का नीचे से। तो चलो आइए सामने देखते हैं, सामने का कंडीशंस देखते हैं पहले। ये देखिए, इसके बाद है हम आपको वो कंप्लीट उसके साथ मिलता है भैया। हाँ, कंप्लीट है, पीछे का भी दिखाएंगे आपको। ये जो है हार्वेस्टर के साथ कंप्लीट में मिलता है ये। ये देखिए, पीछे का भी हम कंडीशंस दिखा दिए हैं। इसके बाद है ट्रैक्टर दिखा। सर, ये न्यू हॉलैंड कौन सी मॉडल है? ये 7500 है, 2014 मॉडल। इसकी पासिंग है नांदगांव। इसका प्राइस क्या रखे? इसका अभी 7,35,000 रुपए रेट रखे विद आल्टो इंश्योरेंस, सारी एसेसरीज के साथ में कंप्लीट। और इसका इंश्योरेंस वगैरह पता है? इंश्योरेंस वो पार्टी जब भी कराएगी तो उसको इंश्योरेंस। फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा ना। 2010-11 के बाद का कोई भी मॉडल फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है ना? ये फाइनेंस में, लेकिन टर्म्स के अनुसार फाइनेंस चार्जेस ज्यादा रहते हैं। ओनर पता है आपको? इसके ओनर अभी हमारे पास सारी गाड़ियां हैंडओवर हो चुकी है, तो सारी गाड़ी आपको जो भी मिलेगी वो न्यू हॉलैंड आशीष जैन जी के ही डीलरशिप के माध्यम से मिलेगी। अच्छा। या आईसर ट्रैक्टर के माध्यम से मिलेगी। अच्छा, तो देखिए इसका कंडीशन देखते हैं पहले। अरे, एड्रेस करीडी में आता है ना, दमदार रोड का रेडी। इसका कंडीशन देखते हैं, दोनों टायर आगे पीछे का। इसका रनिंग कितना हुआ? 4000 घंटे चल चुके ना। इसके बाद है सोनालिका DI-35। सर, ये सोनालिका DI-35 39 HP का ट्रैक्टर है और करीब 2014 का मॉडल है। इसकी 3.5 लाख रुपए कीमत। गाड़ी कंडीशन बहुत अच्छी है। इसका ऑयल कंज्यूमेशन 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा, है ना। इसका भी कंडीशंस देखते हैं। इसका पासिंग पता है आपको? अच्छा, दुर्ग पासिंग, CG07 बोल रहे हैं, दुर्ग पासिंग। और अभी जितनी सेकंड हैंड ट्रैक्टर, उसमें पावर स्टीयरिंग है कि नहीं? पावर भी है, नॉन पावर भी है ना। इसका कंडीशन बेस्ट है। आपको पूरा डिटेल्स आपको स्क्रीन में भी शो करेगा, यहाँ का नंबर,
इसके बाद है फार्मटेक, ये फार्मटेक 45 2010 मॉडल, 2010 मॉडल, ये 2.5 लाख, इसकी 2,30,000 रुपए कीमत है। अच्छा 2,30,000 गाड़ी में तो ऐसा विशेष काम। और ये कितना चलोगा? और ये करीब करीब सर फिर भी 2,500 से 3,000 घंटे चलेगा। 2,500 से 3,000। और वो जो सोनालिका देखे थे वो कितने? सोनालिका भी करीब 2,000 घंटे के करीब, 2,000 करीब घंटे चले। इसका भी कंडीशंस देखते हैं। मीटर स्टार्ट नहीं है इसलिए हम आपको एक्चुअल उसका वो नहीं बता सकते। जब भी कस्टमर आएगा तो उस समय हम फाइनली वो बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम ऐसे बोलेंगे तो वो थोड़ा गलत मैसेज जाता है। जैसा कि भैया ने बताया, मीटर देख के आपको बाकी डिटेल पता चल जाएगा। अभी मॉडल और प्राइस यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। इसका भी कंडीशंस देखते हैं। इसके बाद है महिंद्रा 295 DI, महिंद्रा 295 DI सुपर टर्बो है, 2010 मॉडल। इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो सकता है लेकिन फिर भी इसका अप्रोक्सीमेटली 1.90 से 2 के बीच का रहेगा। 1.90 के मॉडल क्या बताया? 2010 की मॉडल है। ये पासिंग कुछ पता है आपको? ये पासिंग MP पासिंग है बालाघाट। बाकी आपको पेपर यहाँ से वहीं से ट्रांसफर करके यहाँ मिल जाएगा, ट्रांसफर करके मिल जाएगा। और जिस पासिंग में चाहिए उस पासिंग में मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है ना। इसका भी कंडीशंस देखते हैं। इसके बाद है न्यू हॉलैंड 3130, वो देखेंगे सर। ये ट्रैक्टर फाइनेंस नहीं होगा। अच्छा, पर इसका रेट है, ये करीब 2007 मॉडल है, न्यू हॉलैंड 3130। अच्छा। इसकी कीमत है 1,30,000 रुपए। 1,30,000 इसमें भी है नेगोशिएट? जो नेगोशिएट हो सकता है वो बैठक में थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंडीशंस देखते हैं पहले। ये पासिंग कहाँ की आएगी? बे में तरह है ना, 39 HP और लिखा हुआ सर 39 HP। इसके पास सोनालिका DI 740। हाँ। सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी का ट्रैक्टर है ये, 2006 मॉडल है और इसकी कीमत 1,00,000 रुपए है। अच्छा, और इसका ऑयल कंज्यूमेशन बहुत कम है और ये भी जहाँ तक अपना दुर्ग ही पासिंग होना चाहिए। अच्छा, दुर्ग पासिंग ही है इसका भी, 1,00,000 रुपए इसकी कीमत है। हाँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ट्रांसपोर्टिंग से लेके ऑयल कंज्यूमेशन और जो डीजल कंज्यूमेशन है काफी कम है इसका। अच्छा। 2 से 2.5 लीटर से ज्यादा का इसका डीजल कंज्यूमेशन नहीं है और सबसे सक्सेसफुल मॉडल है सोनालिका का ना। इसका भी कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि दुर्ग का पासिंग है CG07, इसमें लिखा हुआ है सोनालिका है DI 740। कितने HP का है भैया ये? ऐसा कुछ लगता है कस्टमर अगर एग्री होता है तो उसके अगर जो टायर वगैरह थोड़े बहुत अगर डिफेक्ट है या कुछ है तो उसको भी हम चेंज करके और सही करके दे सकते हैं। अच्छा, रेट ऑफ द कंसल्टेंसी, मतलब जैसी आपस में बात होगी उस हिसाब से। इसके बाद है स्वराज का देखेंगे सर। ये स्वराज 724 FI होता है, ये सन 2000 का मॉडल है, इसकी कीमत 1,20,000। ये भी करीब 39 HP की कैटेगरी में आता है। इसका पासिंग CG10 कहाँ की है? ये CG10 मेरे हिसाब से ये कवर्धा की होना चाहिए। कवर्धा की नहीं है, CG09 होती है कवर्धा। जैसे कि CG10 है, आप सर्च कर लेना गूगल पे CG10 का। बाकी कंडीशन से पुरानी मॉडल है ना सर ये भी? और जैसे कुछ क्या है कस्टमर को बेनिफिट यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं तो मिलेगा? वो बिल्कुल होगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे माध्यम से अगर डायरेक्ट किसान आता है, अगर हमको किसी एजेंट को नहीं देना है तो हम उसको फुली जितना हमारे माध्यम से कम हो सकता है हम डायरेक्टली करेंगे, अगर किसी को हमको उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं देना है तो। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ और कितनी ट्रैक्टर्स होंगे आपके पास? अभी मेरे पास राइट नाउ और कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है। 8 से 10 ट्रैक्टर्स और है बोल रहे हैं। जैसे कि अभी शाम हो चुका है तो शूटिंग में प्रॉब्लम होगा तो आपको लेना होगा तो भैया को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन में शो करेगा। तो आपका नंबर भी बोल दीजिए भैया। मेरा नंबर है 9399-8149214916। और आपका नाम? संयम राजकुमार जैन। अच्छा, तो भैया का नाम भी हो गया। और ये एड्रेस एक बार बता दीजिए। ये यहाँ पे पड़ता है आपका नियर अबाउट धमला रोड चिकली करीडी चौक से थोड़ा आगे। अच्छा, तो भैया ने जैसे बता दिया और भी ट्रैक्टर्स हैं ऐसा शोरूम ना। अच्छा, ये ओनर है इनकी आशीष जी जैन। उनसे भी कोई डायरेक्ट कंसल्ट करना हो तो उनका भी नंबर है 7489-533-777। अच्छा, तो भैया मेन यहाँ जो ऑनर है उनका भी नंबर भैया ने बता दिया है। और कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ? और इसके अलावा भी अगर आप आयसर में या नए में कुछ अगर चाहते हैं तो भी आपको उसमें बेस्ट प्राइस में नागर केजविल रोटावेटर हार्वेस्टर से किसी भी प्रकार का अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स लगता है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कम से कम कीमत में और अच्छी क्वालिटी में।
तो भैया ने जैसे बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।